अब इतना केस बना दिया कि पछड़ा केस वाला खत्म करके ये साबित करने के लिए चाहता है कि नीपी सिंह नाजायज नहीं कर रहा है, नीपी सिंह जायज कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। मोकामा विधायक अनंत सिंह की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अक्सर सवाल ये आ रहा है कि अब अनंत सिंह को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई होगी और उनको आगे क्या क्या हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, जो उनके आवास से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद जो पुलिस कार्रवाई हो रही है, जिस तरह की धाराएं उन पर लगाई गई हैं, उसके बाद आगे फ्यूचर में उनको किन किन चीजों से सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ी बात जो निकल करके सामने आ रही है कि जिस तरह की धाराएं उन पर लगाई गई, जिसमें कि UAPA एक्ट भी उन पर लगाया गया, उसकी भी एक धारा उस पर अनंत सिंह के ऊपर लगाई गई है, अगर वो दोषी साबित हो जाते हैं इन सब चीजों में तो उनको पहले तो 7 साल की सजा हो सकती है, और अगर वो दोषी साबित होते हैं तो उनकी विधायकी भी जा सकती है और चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ी बात होगी कि निर्दलीय चुनाव लड़के और मोकामा से जीतने वाले अनंत सिंह की विधायकी जा सकती है अगर जो धाराएं उन पर लगाई गई हैं उसमें वो दोषी साबित कोर्ट से हो जाते हैं। तो आपको बता दें कि फरार जरूर है अनंत सिंह, लेकिन मीडिया से लगातार टच में, सोशल मीडिया पर अनंत सिंह बैक टू बैक वीडियोस जारी कर रहे हैं। पहले एक रात को, रविवार की रात को उनका एक वीडियो आया और उसके बाद सोमवार की पहले सुबह सुबह उनके एक और वीडियो आया, जिसको लेकर अब पुलिस भी खंगाल रही है। वीडियो का लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। वीडियो में जो नॉइस आ रही है बैकग्राउंड में, उसके जांच के बाद से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अनंत सिंह आखिर कहाँ है। वो फरार है, उसके बावजूद भी वो वीडियो जारी कर रहे हैं, और उनके वीडियो कैसे मीडिया में आ रहे हैं और क्या उसका सूत्र है। तो इन सब चीजों के बीच में अनंत सिंह फरार है। उनके आवास पर शनिवार की देर रात बड़ी कार्रवाई हुई थी। ASP लिपि सिंह जो बाढ़ की है और उनके साथ जो पटना ग्रामीण SP कांतेश मिश्रा है और एक और IPS ऑफिसर थे, तीनों मिलकर के अपने दल बल के साथ उनके पटना वाले सरकारी आवास पर पहुंचे थे। वहां से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई, उनकी पत्नी नीलम देवी से, जो लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, पूर्व प्रत्याशी कह सकते हैं उनको, मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, और उनसे पूछताछ की पुलिस ने, लेकिन उन्होंने ज्यादा कोऑपरेट नहीं किया पुलिस से। लिपि सिंह ने भी अपने बयान में ये चीजें कही थी कि उनकी पत्नी से पूछताछ हुई है। इसके साथ ही साथ जो केयर टेकर सुनील को गिरफ्तार किया गया था लगवा वाले आवास से, उसको रिमांड पर लेने की पुलिस तैयारी कर रही है। राज्य को एक लेटर भी लिखा गया है इस मामले में कि उससे और ज्यादा पूछताछ हो सके। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि अनंत सिंह की विधायकी इस पचड़े में पड़ने के बाद उनकी विधायकी जा सकती है, और अगर उन पे आरोप जो है साबित हो जाते हैं, उनको दोषी करार अगर कोर्ट दे देती है, तो फिर बड़ी मुश्किल उनके लिए हो सकती है। हो सकता है कि उनको लंबे समय के लिए जेल जाना पड़े। फिलहाल अनंत सिंह कहाँ है किसी को पता नहीं है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है उनको अरेस्ट करने की, चूंकि अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ जारी हो चुका है, और इस अरेस्ट वारंट के जारी होने के बाद अगर वो सरेंडर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर उससे पहले पुलिस अरेस्ट करती है तो उनको और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। आपको बता दें कि अनंत सिंह ने अपने एक वीडियो में कहा भी है कि वो 3-4 दिन में सरेंडर कर देंगे। एक बीमार दोस्त है उनका, उनसे वो मुलाकात करने के लिए गए हैं। अब ये अलग सी बात है कि अनंत सिंह लगातार आनंद फानन में बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी से कैसे कहां निकल गए किसी को पता नहीं चला। उनके आवास पर जो सुरक्षा गार्ड तैनात थे उनको भी ये पता नहीं चला कि अनंत सिंह कब निकले और कहां गए। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, आगे और क्या कुछ इस स्टोरी में डेवलपमेंट होती है लाइव सिटीज आपको सबसे पहले देगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए, और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद। अब इतना केस बना दिया कि पछड़ा केस वाला खत्म करके ये साबित करने के लिए चाहता है कि नीपी सिंह नाजायज नहीं कर रहा है, नीपी सिंह जायज कर रहा है।